हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मदर एंड के पास बहुत ही अच्छे होंगे, आई थिंक वी ऑल्सो हैप्पी होंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में बहुत टाइम से मैं बहुत ऐसे ही कुछ वीडियो लेके आ रही थी, सो कुकिंग रिलेटेड एंड कुछ, एंड हमेशा मैं बोलती रहती ए लेके आऊँगी, वो लेके आऊँगी, वो लेके आऊँगी, बट नहीं हो पा रहा था। सो फ्रेंड, हो भी जाता है और नहीं भी हो पाता है। सो आप लोग समझ सकते हैं ना फ्रेंड कि मतलब कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्या नहीं होती है। और अभी तो वैसे ही मेरी मतलब कि दीदी की सो हाल ही हाल में ये सब कुछ हुआ है। सो मतलब सब लोग थोड़ा सा वैसे ही सदमे में टाइप के इस टाइप से हैं। और फ्रेंड, मैंने कहा कि अब कब तक मैं बैठूंगी, सो मैंने कहा कि चलो वीडियो तो मतलब शेयर करनी चाहिए आप लोग के लिए। और आप लोग को पता नहीं क्या लगता है कि मेरा कॉन्टेंट अच्छा है या नहीं है, या आप लोग को वीडियो समझ आती है नहीं है आती है। सो फ्रेंड, ऐसा मत किया करो प्लीज़, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब तो किया करो, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोग को मेरी वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। और मुझे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। सो फ्रेंड, मैं आज आप लोग के लिए, आप लोग को समझ आए वो या वीडियो नहीं आए, बट मैं नहीं समझ सकती हूँ कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, एक क्या है ये, मतलब मिल्क है और मिल्क में हल्दी है, हल्दी में क्या है, क्या बोलते हैं, रोज आई मीन गुलाब की पत्तियां हैं, नहीं पत्तियां बोलते हैं इसको। सो सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी ये वॉइस। सो फ्रेंड, ये क्या है, क्लीजिंग मिल्क का वर्क करती है ना, आप लोग ये जानते होंगे या नहीं समझते होंगे, कई लोग समझते हैं नहीं समझते हैं। अभी आई मीन मेरा क्लीजिंग मिल्क फिनिश हो गया है। सो आप लोग बोलेंगे कि हमेशा फिनिश फिनिश बोलती रहती है, ऐसा नहीं है कि सभी का फिनिश हो जाता है यार, ऐसा तो है नहीं है कि नहीं होता है। तो सभी का फिनिश हो जाता है, आई मीन कोई भी कॉस्मेटिक हो सबका फिनिश होता है, कॉस्मेटिक आई मीन चाहे क्रीम हो, पाउडर हो, या कुछ भी हो, क्या कुछ भी हो, एक्स्ट्रा मतलब कि कुछ भी हो एक्स वाई जेड। सो फ्रेंड, मेरा भी क्लीजिंग मिल्क फिनिश हो गया। सो मैंने कहा कि चलो इससे मैं आज क्लीजिंग मिल्क तो मिल्क ही है ना, सो इससे भी अपन लोग फेस पे लगाएंगे और चेहरे पे एक अजीब सा ग्लो, आई मीन बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है, अजीब सा क्या, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। सो फ्रेंड, आज मैं इसको ही अपना आई मीन क्लीजिंग मिल्क बना रही हूँ। उससे इसमें हल्दी, किसी को हल्दी ऐड करनी है नहीं करनी है, ये बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही बेटर एंड बहुत ही बेनिफिट देने वाला फार्मूला होता है फ्रेंड। सो एक्चुअल में अगर आप लोग इससे यूज करेंगे तो आई मीन आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। एंड अभी मैंने दो ही दिन से, आई मीन बहुत टाइम से कम 3 महीने से मैंने फेस पे एंड हैंड पे कुछ भी ये फार्मूला एंड कुछ भी कॉस्मेटिक एंड या कुछ भी फार्मूला या मतलब जो भी है, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया है अपने फेस पे। सो फ्रेंड, मेरा फेस ऐसे ही डल हो गया था एंड हैंड भी डल हो गए थे। और मैंने आपको लोग को अभी भी क्लिप में डाला है कि बड़ी पापड़ याद इतना धूप में वर्क करना। सो फ्रेंड, वैसे ब्लैक हो गया था मेरा हैंड वगैरह सब कुछ, आई मीन हैंड और फेस दोनों ऐसे हो गए थे। सो फ्रेंड, मैंने कहा कि अभी जब, और फिर उसके बाद से दीदी का ये सब हो गया, सो थोड़ा सा मन नहीं लगता था, बट कब तक हम लोग बैठे रहेंगे आप लोग खुद ही जानते हैं ना फ्रेंड। सो क्या मैंने बैटर किया है आप लोग बताइए, मैंने ये सब करके क्लिप बना के या कुछ भी, तो मैंने कुछ गलत तो किया नहीं ना फ्रेंड। सब लोग अपना वर्क करना चाहते हैं एंड कब तक बैठे रहेंगे हम लोग, आगे तो बढ़ते ही हैं। सो फ्रेंड, मैंने कहा चलो आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड फ्रेंड देखिए, सो आप लोग इसके लिए मुझे ये प्लीज़ हेल्प कीजिए। सो मैं ए लगा रही हूँ, आपको बताऊँगी, मैं अभी लगा के खुद ही लगा रही हूँ, खुद अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। इस टाइप से आपको हल्के हाथों से ही मसाज करनी है अपने फेस पे, सो पूरे फेस पे और फेस पे एंड नेक पे, एक हैंड पे। सो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा ग्लो आता है एंड हमारी जो फेस की टैनिंग होती है वो एकदम से रिमूव हो जाती है, हमारे फेस से हट जाती है।
और गुलाब की पत्तियाँ तो आप लोग जानते हैं, रोज वाटर गुलाब की पत्तियाँ डाल दो, तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है, एक डबल बेनिफिट देने वाला हो।